Hi my kids, so presently we are learning our third science chapter, separation of substance. Already we discussed the terms mixture, pure substance, and what is the need of separation, why we are doing this separation, and water as a universal solvent. So now we are moving to the other paragraph or other topic, methods of separation. What are the techniques we can use to separate सब्सटेंस. सो टू मेथड्स हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था. वन वॉज हैंड पिकिंग. ओके, हाथ से हमने वो सब्सटेंस सेपरेट करते हैं. सेकेंड वन इज यूजिंग ए स्ट्रेनर. ओके, जो टी पाउडर जो टी से हमने सेपरेट करते हैं. सो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमको सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए. सो आई विल शो यू वन फ्लो चार्ट. So in this flow chart, each and every methods we are going to learn. Okay, so first one, hand picking, already I told you, so I am not explaining again. Second one is sieving. I will tell you once again. So, sieving ka matlab yahi hota hai. So using this method we can separate components with different size. Jo kuch construction एरियाज में, कंस्ट्रक्शनल एरियाज में गए तो उधर वो लोग सैंड सीविंग करेगा. वो लोग कैसे करेगा, दे विल यूज ए फैब्रिकेटेड नेट. एक फैब्रिकेटेड नेट रख के उसमें जो सैंड डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर रहेगा, जो छोटा सैंड प्योर फॉर्म में नीचे जाएगा. ओके, सो दैट काइंड ऑफ मेथड इज नोन एज सीविंग, राइट. जो हमने स्ट्रेनर रख के टी पाउडर सेपरेट करते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल होता है, सीविंग. इसको हमने सीविंग कहते हैं, एस आई ई वी आई एन जी. देन द थर्ड मेथड इज थ्रशिंग. ओके, थ्रशिंग बोलते हैं. थ्रशिंग को हिंदी में हमने ताड़ना कहते हैं. मेनली वी कैन फाइंड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स. ये टेक्निक और ये मेथड हमने एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो लिसन केयरफुली. हार्वेस्टिंग के बाद, ओके, हार्वेस्टिंग के बाद वी विल गेट स्टॉक्स बाई रीपिंग. कट करके, रीपिंग का मतलब क्या, रीपिंग मतलब जो कट करके हमने जो हमारा स्टॉक्स निकलता है, और ये स्टॉक्स से हमको ग्रेन्स सेपरेट करना पड़ेगा, राइट. सो ये स्टॉक्स हमने क्या करना है, इसको हमने एक वुडन पीस रख के उसमें बीट करते हैं. बीट करना मतलब मारते हैं. सो ये स्टॉक्स जब हमने ये वुडन पीस में बहुत तेज मारता है वो टाइम क्या हो जाएगा, उसमें से वो ग्रेन्स सभी सेपरेट होते हैं. उसमें से ग्रेन्स सभी सेपरेट होके वो वुडन पीस के आजू बाजू में गिरता है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ मेथड इज नोन एज थ्रशिंग. ऑल राइट, सो पहले मैनुअल थ्रशिंग हुआ था. मैनुअल थ्रशिंग मतलब जो फार्मर्स अपने हाथ से ये स्टॉक सभी लेके नीचे जो वुडन पीस रखा उसमें मारते हैं. लेकिन अभी तो हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर्स है. कंबाइन हार्वेस्टर्स है तो पूरा काम वही इक्विपमेंट करेगा. ऑलराइट, सो वंस अगेन आई विल टेल यू थ्रशिंग. थ्रशिंग मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स बाई बीटिंग इट ऑन ए वुडन पीस. ओके, एक वुड पीस, एक लकड़ी, बड़ा लकड़ी रखी है उसमें हमने ये स्टॉक सभी अच्छी तरह मारते हैं. इसे मारे तो ग्रेन सभी नीचे गिर जाएगा, स्टॉक से नीचे गिर जाएगा. एंड मैनुअल थ्रशिंग मतलब जो हमने हाथ से करता है, और अभी जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हमने यूज़ करता है. सो द फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन इज विनोविंग. इसको हमने विनोविंग कहते हैं. सो पहले हमने थ्रशिंग करते हैं, ग्रेन्स को थ्रशिंग करके स्टॉक से निकालता है. अगेन देर विल बी ए हस्क, इसको हमने हस्क बोलते हैं. देर विल बी एन आउटर कवरिंग ऑन द ग्रेन. ग्रेन्स का ऊपर एक आउटर कवरिंग हो जाएगा, इसको हमने हस्क कहते हैं, अच्छी हस्क. वी हैव टू सेपरेट दिस हस्क. इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या करता है, वी विल शो दिस ग्रेन्स टुवर्ड्स द विंड. हवा में दिखाए तो क्या हो जाएगा, ये हस्क सभी उड़ जाएगा, क्योंकि कंपेयर टू
ग्रेन्स कंपेयर टू ग्रेन्स हस्क का वेट बहुत कम होते हैं, इसका वजन बहुत कम होता है, इसलिए वो सभी उड़ जाएगा, हमारा ग्रेन सभी नीचे गिर जाएगा एंड इट विल मेक ए हीप और इट विल फॉर्म ए हीप. ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्थ मेथड, दैट इज विनोइंग. विनोइंग मतलब जो ग्रेन्स में आउटर कवरिंग्स होते हैं, दैट इज नोन एज हस्क. ये हस्क को निकालना पड़ेगा, तो हमने क्या करना है, उसको हवा में दिखता है, हवा में दिखाता है, वो टाइम क्या हो जाएगा, ये हस्क सभी उड़ जाएगा और हमको हमारा ग्रेन्स मिलते हैं. अंडरस्टूड? सो दैट इज विनोविंग. सो फोर मेथड्स वी स्टडीड नाउ, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अदर सॉलिड. सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अदर सॉलिड, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड सेपरेट करने के लिए फोर मेथड्स मेनली वी आर यूजिंग. फर्स्ट वन हैंड पिकिंग, हाथ से करना. सेकंड वन सीविंग. सीविंग मतलब एक नेट ट्रिक के, एक फैब्रिकेटेड नेट ट्रिक के, जो हमारा सब्सटेंस को सेपरेट करना, अलग अलग करना. उसमें क्या हो जाएगा, बड़ा सब्सटेंस ऊपर रहेगा, छोटा सब्सटेंस नीचे गिर जाएगा. थर्ड वन इज थ्रशिंग. थ्रशिंग मतलब हिंदी में ताड़ना है. वो स्टॉक्स को हमने एक वुडन पीस रख के उसमें अच्छी तरह बीट करते हैं, मारते हैं, वो टाइम हमको ग्रेन्स मिलते हैं. एंड द फोर्थ वन इज विनोविंग. विनोविंग WINOWING, जो हमको ग्रेन्स मिला उसको हवा में दिखता है, वो टाइम ये हस्क सभी उड़ जाएगा. So moving to the next paragraph, we are going to learn one other term that is known as saturated solution. Saturated solution. So to learn this, you have to do one activity with me. आप लोग एक activity करना है. एक glass में पानी लेके उसमें थोड़ा नमक डालना है. And you have to mix it properly. So क्या हो जाएगा? Salt will become invisible. Salt पूरे पानी में mix हो जाएगा. Then you have to repeat it again. वापस यही करना पड़ेगा. ऐसे 2-3 times किया तो there will be one point on which the solute or the salt will get undissolved. Okay? मतलब 2-3 times आप लोग ये किया तो बाद में एक point आएगा. वो point में क्या होता है, ये salt पानी में आप लोग कितना मेहनत करते हैं मिक्स करने के लिए, कितना मेहनत करना करते हैं, फिर भी वो मिक्स नहीं हो जाएगा. ऐसे एक पॉइंट आएगा एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी टेल दैट सॉल्यूशन बिकेम सैचुरेटेड. ओके, द सॉल्यूशन बिकेम सैचुरेटेड मतलब उसमें ज़्यादा हमको मिक्स नहीं कर सकते हैं. ओके, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड और at that time we call that solution as saturated solution. Okay, so a point ke baad humko fir bhi mix karna chahiye to, fir bhi humko zyada namak mix karna chahiye to kaise kar sakte hain humko, we have to heat that solution. Humne temperature dete hai, temperature increase kiya to kya ho jayega, it will become dissolved. Okay, salt dissolve ho jayega. Understood? So this is the term saturated solution. Saturated solution मतलब उसमें जो maximum salt dissolve हो गया और उसमें maximum solute dissolve हो गया, उसके उससे ज़्यादा वो नहीं dissolve होते हैं. Okay? Under certain temperature, under a given temperature, that is important also. So this is the session for today. And thank you everyone.